नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। माफी चाहता हूँ थोड़ा सा लेट हो गया, असल में लैपटॉप अपडेट में चला गया था। ये अपडेट वाला सिस्टम बड़ा बेकार है, अचानक भयानक कभी भी अपडेट हो जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम करेंगे प्रीलिम्स लेवल के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि आज रात से हाई लेवल की क्लासेस चालू हो रही हैं और बहुत से लोग बोल रहे थे कि प्रीलिम्स का सर आप करवाते नहीं हो, सिर्फ मेंस का करवाते रहते हो। तो ये फ्री क्लास का जो सिलसिला है ये बिल्कुल चलते रहेगा, इसमें हम प्री की क्लासेस करते रहेंगे। तो जिनको भी प्री में दिक्कत होती है, प्रीलिम्स के थोड़ी बहुत चीजें नहीं समझ में आती है, तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। वैसे रीजनिंग में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, पजल्स के लिए पजल्स पूरा का पूरा टॉपिक ही अपने आप में खत्म हो जाता है। उसमें कोई बेसिक प्री मेंस ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं एक बार फटाफट लाइक करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, पजल। इस पजल को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं, जो कि कल प्लस की क्लास में हुआ था, कल या परसों हुआ था प्लस की क्लास में। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स प्लस वाले हैं, यस करो, जो नो प्लस वाले नहीं है वो लोग नो करो। सत्तर परसेंट प्लस वाले हैं, 30% नहीं है। चलिए ठीक है, तो दोस्तों ये मैं दिखाना चाहता हूँ ये 30% लोगों को, कि ताकि आप लोग एक थोड़ा सा अनुमान लगा सको कि एसबीआई पीओ के प्री और मेंस में क्या फर्क रहता है। प्री और मेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये है मेंस लेवल, ये है मेंस लेवल, और अब जो मैं आप लोगों को दूंगा ये रहेगा प्री लेवल। चलिए तो ये है आप लोगों का प्री लेवल जो कि हम अभी करेंगे। तो वो मेंस लेवल था जो कि मैंने कल प्लस क्लास में करवाया था। तो फर्क आप देख सकते हैं कि मेंस और प्री में कितना फर्क रहता है, बहुत फर्क रहता है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई पहले बस प्री की तैयारी हो जाए, एक बार प्री निकल जाए तो फिर हम मेंस तो कर ही लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। मेंस की तैयारी पहले करनी पड़ेगी आपको, आपको मेंस की तैयारी पहले करनी पड़ेगी, प्री की तैयारी ऑटोमेटिक साथ में होती रहेगी आपकी। और आज रात से रीजनिंग का मेंस का बैच चालू हो रहा है। एसबीआई पीओ के लिए अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप अंकुश YT10 कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसमें आप किसी भी टीचर्स की क्लासेस देख सकते हैं, किसी की भी, चाहे वो वाईफाई स्टडी के टीचर्स हो, चाहे वो अनअकैडमी के टीचर्स हो, आप किसी की भी क्लासेस देख सकते हो। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों सॉल्व हो गया होगा काफी लोगों का। फिर भी मैं 2 मिनट का समय और दूंगा उनके लिए जिनसे जल्दी नहीं बनता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। इनपुट आउटपुट आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा काफी समय के बाद। इनपुट आउटपुट का जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल वाला प्रीलिम्स वाला, वो आज सिखाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत समय से मैंने आप लोगों को इनपुट आउटपुट नहीं पढ़ाया है।
तो कुछ लोग बोल रहे थे सर इनपुट आउटपुट पढ़ा दो, तो आज इनपुट आउटपुट आप लोग सीख कर ही जाओगे यहाँ से। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कितने लोग थे यार क्लास में, देखा क्या किसी ने? कितने लोग थे क्लास में? चार सौ छब्बीस, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट वाला ये क्वेश्चन है 8% का। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए ये मैं अपलोड कर देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, 8% O K M L N Q J N P are sitting around a circular table with some friends facing towards the center of the table and rest facing away away from the center of the table। मतलब एक सर्कल में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि या तो अंदर की तरफ फेस कर रहे होंगे या तो बाहर की तरफ फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर डू नॉट फेस इन सेम डायरेक्शन। मतलब जो भी एडजेसेंट होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही देख रहे होंगे। तो इससे आप एक चीज कंफर्म बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई जल्दी बताओ, एक चीज कंफर्म क्या बता सकते हैं हम इससे, इस लाइन से? आपको यहां पर बोला है पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन। चार अंदर और चार बाहर, मतलब डेफिनेटली आप ऐसा बना सकते हो कि भाई ये अगर अंदर है तो ये बाहर होगा, ये अंदर फेस कर रहा है, ये अंदर फेस कर रहा है, ये अंदर फेस कर रहा है, ये बाहर फेस करेगा, ये बाहर फेस करेगा, ये बाहर फेस करेगा, ऐसे ही बनेगा, हाँ या ना? तो ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी कि पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब अगल बगल वाले जो भी पर्सन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। एम जो है वो थर्ड टू राइट में है पी से। एन इज द नेबर ऑफ एम। एन जो है वो नेबर है किसका, एम का नेबर है। एन इज द नेबर ऑफ एम मतलब कि एन यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर हो सकता है। आगे आपको क्या बोल रहा है, एन सिट्स ऑपोजिट टू ओ। एन जो है वो ऑपोजिट है ओ के। L sits to the immediate right of K. L जो है वो K के immediate right में है। J sits third to right of L. J sits third to right of L. तो J जो है वो L के third to right में है। J जो है वो L के third to right में है। Q does not face inside of the table. मतलब कि Q जो है ये outside face कर रहा होगा। हिंदी वाला एक बार दिखाओ। अरे इतनी देर से तो दिखा रहा था क्वेश्चन, 10 मिनट दिखाया हूँ कम से कम। तो अब यहां पर देखिए दोस्तों, कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कहां से स्टार्ट कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई आपको क्या करना है, डायरेक्शंस चेंज करनी है कि नहीं करनी, वो बाद में पता चल जाएगा। कैसे करेंगे देखो, जैसे कि मैं पी को अगर मान लो यहां पर रखता हूं, भाई मैंने आप लोगों को पहले ही बोला अगर नीचे की तरफ रख रहे हो तो इनसाइड फेसिंग वाला ही लेना है सबसे पहले। तो पी को यहां पर हमने रखा, दो छोड़कर यहां पर हमने रख दिया एम को। अब M का जो नेबर है वो N होना चाहिए, तो M का नेबर अगर N यहां पर लेते हो तो उसके सामने तो O आना चाहिए ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब M के इस तरफ में आपको N लेना पड़ेगा और N के ऑपोजिट में O लोगे। ये देखो M के नेबर में N था और N के ऑपोजिट में O था, तो इतनी चीजें हो गई आपकी। अब देखो K के जस्ट बगल में L है, मतलब कि दो स्पेसेस खाली चाहिए आपको, दो जगह चाहिए ना इनके लिए साथ में, तो यही दो जगह आपको दिख रही है, यही दो जगह आपको दिख रही है। अब ध्यान से देखना कि L से दो छोड़कर आपको राइट में J चाहिए। अगर यहां पर आप रखते हो L को, भाई ये दो में कहीं पर भी आ सकता है J और L, सॉरी K और L, तो K और L को आपको यहीं पर रखना है, और तो कहीं भी दो स्पेसेस खाली नहीं है, सिर्फ एक ये खाली है, एक ये खाली है। तो आप यहां पर कहां पर रख सकते हो, अगर यहां रखोगे L को तो L से 2% छोड़कर राइट में J, ये देखो 2% छोड़कर राइट में J पॉसिबल है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप L को यहां पर रखते हो तो 2% छोड़कर राइट में यहां पर तो N बैठा हुआ है, आप J को नहीं रख पाओगे, मतलब डेफिनेटली आपको यहीं पर रखना पड़ेगा ना। बस रखो, इसको सॉल्व हो गया, ये L, ये K, तो K के राइट में L हो गया। अब L से दो छोड़कर J यहां पर होना चाहिए, बचा क्या आपका Q, और Q आउटसाइड देख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व। हिंदी एक बार देखने देख लो भाई फटाफट, मैं तब तक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ।
सर्टेन नंबर वाला क्वेश्चन भी बनाएंगे अभी इसके बाद, एक इनपुट आउटपुट बनाएंगे पहले, फिर सर्टेन नंबर वाला जो पर्सन क्वेश्चन होता है उसको बनाएंगे। जाइएगा नहीं क्लास से बिल्कुल भी। चलिए तो अपलोड कर दिया हूं मैं, ये लो जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को और देखिए कि आप लोगों से कितना टाइम लगता है। एक स्टैंडर्ड टाइम 3 मिनट होना चाहिए। थके हुए लग रहे, क्या आप बात कर रहे हो यार, एक्सरसाइज वगैरह करके एकदम नहा धो के बैठा हूं मैं, ऐसा तो मत बोलो। अच्छा थके हुए मतलब, फिर एक्सरसाइज के बाद ऐसे भी इंसान थक जाता है थोड़ा सा। हलवा है तो हलवा तो रहेगा ही ना, प्रीलिम्स है तो, रात को दिखेगा जलवा। आप एक्सरसाइज करते हो, पूरा जिम खोल के रखो घर पे। आई एम कॉमेडी यू। I'm comedy you need, don't comedy me. चलिए तो ये किसको किसको समझ में आ गया क्वेश्चन अभी तक? पैटर्न एटलीस्ट समझ में आ जाना चाहिए था, बना नहीं बना वो बात अलग है, पैटर्न एटलीस्ट समझ में आ जाना चाहिए था। किनको किनको समझ में आ गया एक बार यस कर दो फटाफट। एटी परसेंट को आ गया समझ में, तो बिगिनर्स तो फिर यहाँ है नहीं। यहाँ कितने बिगिनर्स हैं भाई जो अपने आप को बोलते हैं कि हम बिगिनर्स हैं? ऐसे कितने बिगिनर्स, यस कीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले तो अपने आप को बिगिनर बोलना छोड़ दो। तो यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इनपुट देखो, इनपुट आउटपुट कैसे बनाते हैं ध्यान से समझना भाई, कमेंट्स वगैरह हाइड कर दिया करो जब मैं पढ़ाता हूं तो, क्योंकि मेरे फ्लो में अगर आप नहीं पढ़ पाओगे नहीं समझ पाओगे तो चीजें आपको हमेशा हार्ड लगेगी। आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं, बट मैं तेज नहीं पढ़ाता, मैं एक नॉर्मल स्पीड से ही पढ़ाता हूं। आप अगर कमेंट बीच में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं, अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? तो कमेंट्स वगैरह हाइड कर दो थोड़ी देर के लिए। और इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इनपुट से स्टेप वन में क्या चेंजेस दिख रहे हैं, इनपुट से स्टेप वन में क्या चेंजेस दिख रहे हैं। सबसे पहले ये देखो भाई, ये देखो ये 18 एज इट इज दिख रहा है, ये विल एज इट इज दिख रहा है, 43 भी एज इट इज दिख रहा है, टूवर्ड्स भी एज इट इज दिख रहा है। ये जो 89 था ये उठा के फ्रंट पे ले गए हैं। उसके बाद देखो ये योर जो है यहां से गायब हो गया है और ये आखिरी में चला गया है। उसके बाद 67 नेवर, 54 कुड, बाकी सब एज इट इज था। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी इनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो फ्रंट पे चला गया, और जो भी लेटर्स में सबसे लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू अल्फाबेटिकल में जो भी लार्जेस्ट होगा
एक्स वाई जेड लास्ट लास्ट तरफ जो भी होगा। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, वाई दिख रहा था सबसे बड़ा, तो उसको हम लास्ट में ले गए। अब क्या करना है भाई, स्टेप वन से स्टेप टू में क्या चेंजेस दिख रहे हैं ये चेक करना है। और ये हम क्यों चेक करते हैं, हमको पता तो चल गया भाई क्या ले रहा है, बट सेकेंड स्टेप हम क्यों चेक करते हैं, हम इस चीज के लिए चेक करते हैं कि इसमें वो पुश कर रहा है अंदर की तरफ या अंदर की तरफ लगा रहा है। मतलब देखो दो केसेस होते हैं, क्या होता है जैसे सपोज करो आपने यहां पर एक्स और यहां पर एक्स ऐसे लगाया, ठीक है, स्टेप वन में अगर आपने एक्स और एक्स लगाया फर्स्ट पे और लास्ट पे, तो शिफ्टिंग किस प्रकार से हो रही है, शिफ्टिंग क्या ऐसी हो रही है कि एक्स अंदर चला गया और वाई यहां पर आ गया, ये एक्स अंदर चला गया वाई यहां पर आ गया, या फिर ऐसा हो रहा है कि एक्स यही रहेगा वाई अंदर की तरफ लगा रहा है, एक्स यही होगा वाई अंदर की तरफ लगा रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो इधर ध्यान दो। एक और होता है, क्या होता है कोई बता सकता है, एक और होता है, अल्टरनेट, एक अंदर एक बाहर, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसे कि ये एक्स है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक्स से इस तरफ जो है वाई को बाहर की तरफ लगाए, लेकिन यहां पर एक्स के बाद वाई लगाए, नहीं यहां पर अंदर की तरफ लगाए, ऐसा। इस चीज को देख के समझना, तब समझ में आएगा, तीनों लिख दूंगा तो नहीं समझ में आएगा। ये देखो x है, x वैसा का वैसा ही है, जो फ्रंट पे जा रहा है वो फ्रंट पे चला गया, लेकिन जो लास्ट पे जा रहा है वो लास्ट पे ना लगा के सेकंड लास्ट पे आ जाएगा, थर्ड स्टेप में थर्ड लास्ट पे आ जाएगा, फोर्थ स्टेप पे फोर्थ लास्ट पे आ जाएगा, इस प्रकार से। तो ये ऐसा भी होता है, स्टेप फाइव से इजी होता है, ज्योति फंस जाओगे आगे जाके, दो चार आठ क्वेश्चन बना लोगे, फिर आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फंस जाओगे। वो तरीका पुराना है, वो आज से 2 साल पहले पढ़ाता था मैं उस तरीके से कि स्टेप फाइव देखो, डायरेक्ट 5 स्टेप को देखना, वो बहुत पुराना तरीका हो गया भैया, अपडेट हो जाओ थोड़ा सा लाइफ में, पुराने तरीकों पे मत बने रहो, अपने दिमाग का जो वर्जन है उसको अपडेट करो थोड़ा सा, ठीक है, चीजों को थोड़ा सा अपडेट करो। वो सब पुरानी चीजें हो गई कि लास्ट स्टेप से करते थे, अब क्या करना है जो बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से देखना, हो तो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट आजकल जिस नए पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वो उस तरीके से नहीं होंगे, ठीक है, वो उस तरीके से नहीं होंगे। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये पुराना है, 2018 का क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए हो जाएगा, बट जो नए आ रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट, और इस टाइप के भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि इस टाइप के नहीं आते, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब देखो सेकंड स्टेप को हम देखेंगे, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टेप वन से स्टेप टू में क्या चेंजेस दिख रहे हैं। ये 67 आ गया भाई, 89 से अब छोटा क्या था 67, तो उसको हम फ्रंट पे ले आए और योर के बाद विल को ले आए, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इधर तरफ एंड पे ले गए, इधर तरफ फ्रंट पे ले गए, और जो पहले से थे एंड और फ्रंट पे वो अंदर की तरफ पुश हो गए, वो अंदर की तरफ ऐसे चले गए और उसके इस तरफ लगा दिए, इस तरफ ऐसे लगा दिए, ठीक है, बस। तो यही चीज करना है आपको पूरे स्टेप्स में। अब देखो उसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना, लिखना तो पड़ेगा, आप कोई शॉर्टकट नहीं मार सकते, शॉर्टकट मारना जो पहले वाला तरीका होता था भाई इस टाइप का, आज से 3-4 साल कुछ लोग ना ये वाले तरीके मारते हैं ऐसे ऐसे करके 5-4, कितने लोग ऐसे जो इस टाइप से सीखे हुए हैं और इस तरीके से करते हैं, यस करो एक बार, तो दोस्तों ये जो तरीका है ना ये 2012 के टाइम का है, 2012-2014 में जो पेपर आते थे ना उस टाइम ये तरीका चलता था, अब नहीं चलता, मैंने भी सिखाया था ये वाला तरीका आप लोगों को बहुत पहले 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने ये सिखाया था, क्योंकि ये पुराने तरीके थे, ये पुराने हो गए, ये सब तरीका नहीं आजमाना है ना आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है, पूरा का पूरा, एक एक स्टेप पूरा, एक एक चीज लिखनी है, टाइम लगेगा थोड़ा सा लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी लिखने के बाद, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। देखो करना क्या होता है, सबसे पहले तो भाई आपको यहां पर जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, इसमें जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं इनको क्या करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा अरेंज कर लो, चलो
या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, क्योंकि आप नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हो, तो पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख लेते हैं। ये 89 जो कॉपी में लिखना है वो बता रहा हूँ, 89, और ये कुछ दिन लिखना पड़ेगा, एक बार आदत हो जाएगी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। 98, 89, 57, 43 और 16, ठीक है। और इस वाले को देखो भाई, ये आप आखिरी से लिखना है, आपको तो सबसे पहले क्या आता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा आपका, टी, फिर ओ, फिर जी और फिर बी, ऐसे ही होगा ना। तो ये चीज आपको सबसे पहले लिख लेनी है। अब बनाने का तरीका, पहला स्टेप, पहला स्टेप ये देखो, ये पहला स्टेप। अच्छा, पहला स्टेप बताने से पहले मैं आपको इनपुट का बता देता हूं कि इनपुट को पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको क्या करना है, आप इसको बस लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। कैसे शॉर्ट फॉर्म में, 16 W 43 G 57 O 89 T 98 और B, इसी को मैंने लिख लिया सिर्फ और सिर्फ इनके फर्स्ट लेटर्स को लेकर, ठीक है। सारे प्लस वाले ही हैं यहाँ, हाँ 70% लगभग। अगर लेटर सेम हुए तो दो लेटर लिखने हैं, जैसे अगर मान लो बोल्ड भी है, ठीक है, बोल्ड भी है और बॉल भी है, तो आप बी ए और बी ओ लिखोगे, बी ओ और बी ए ऐसा लिखोगे, ठीक। ये इनपुट था भैया, ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये क्वेश्चन है, इस इनपुट को आपको सॉल्व करना है इस तरीके से। तो इसको मैंने यहां पर लिख लिया है पूरा, ये देखो, वाइल का मैंने डब्ल्यू लिख लिया, गेम का मैंने जी लिख लिया, 57 ओ, ऑफ का मैंने ओ लिख लिया, थ्रोन्स का टी लिख लिया और बोल्ड का बी लिख लिया, पूरा लाइन से वैसे ही लिखा हूं, देख लो यहां पर पूरा वही, यही वाली लाइन को मैंने लिखा है यहां पर, शॉर्ट कर दिया बस उसको। अब क्या करना है, पहले स्टेप में हम क्या कर रहे थे, सबसे बड़ा नंबर और लास्ट वाला, ये इन्हीं को अरेंज कर रहे थे, इन्हीं को अरेंज कर रहे थे, कर रहे थे ना। तो क्या करना है, इस पे सर्कल मार दिए हमने, दोनों जगह सर्कल जरूर मारना, और यहां पर सर्कल मार दो, कहां कहां पर है भाई, ये 98 यहां पर और W कहां पर था, ये यहां पर, तो इन पे सर्कल जरूर करना, ठीक है। अब देखो क्या करना है भाई, 98 फ्रंट पे जा रहा है तो 98 को फ्रंट पे ले जाओ, बाकी चीजों को एज इट इज आपको लिख देना है भाई। इस W को आप इरेज, मतलब इमेजिन करो कि वो गायब हो गया। आकाश जी आप ध्यान से समझने की कोशिश नहीं कर रहे, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने इस इनपुट को यहां पर लिखा है, इनको इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूं, इसमें क्या नहीं समझ में आया, आप ध्यान से देख ही नहीं रहे हो भाई। यहां पर जितने नंबर्स मुझे दिख रहे थे उसको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, और जितने भी लेटर्स दिख रहे थे उनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, और जो इनपुट था उसको पूरा एज इट इज सेम टू सेम उतार दिया, मैंने तो कुछ अभी एक्सप्लेन ही नहीं किया है। रवि बोल रहा है क्वेश्चन करो, बकवास ना करो भाई। रवि जब तक ये सॉल्व नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे, और शायद रवि किसी और को बोल रहा होगा, आई थिंक सो। मतलब वो उनको बोल रहा होगा भाई जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं यहां पर, मे बी भाई, मैं पॉजिटिव सोचता हूं हर जगह। चलो तो यहां पर ध्यान दो भाई, 98 को मैंने सर्कल कर लिया और W को मैंने सर्कल कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, यहां पर देखो, ये तो इनपुट था हमारा, इनपुट था मतलब कि ये वाला था, ये जो दिया है इसी को यहां पर मैंने लिखा है। तो इसमें जब यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा नंबर फ्रंट पे जा रहा है और सबसे बड़ा वाला जो लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड है वो सबसे लास्ट में जा रहा है, तो वही चीज हम करेंगे। ये 98 को मैं फ्रंट पे लेकर चला गया और W को मैं लास्ट पर ऐसे लेकर चले जाऊंगा, बाकी किसी चीजों को पूरा एज इट इज लिख दो। ये 16, ये 43, ये जी, जो सर्कल किए उसको छोड़कर बाकी चीजों को एज इट इज लिख दो, और कमेंट्स को भाई ऑफ रखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, कमेंट्स को ऑफ रखना वरना नहीं समझ में आएगा। ये W लास्ट में आया था, यहां पर रख दे रहा हूं, ये हो गया भाई, पहला स्टेप बन गया आपका, बस अब फटाफट बनाते जाना है भाई। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको पता है ये आपने लिखा ही उस लिए था ताकि आप फटाफट कर सको, 89 और T, तो 89 और T को सर्कल करो, 89 जाएगा फ्रंट पे, T जाएगा लास्ट में, बाकी चीजें एज इट इज, 98 16 43 G 57 O B और W, हो गया। अब थर्ड स्टेप,
थर्ड स्टेप में क्या करना है भाई, थर्ड स्टेप में क्या चाहिए हमको, यहां पर देखते जाना, ये है आपका अरेंजमेंट पूरा 57 और ओ, तो 57 और ओ को सर्कल कर लो, 57 गया फ्रंट पे और ओ गया लास्ट पे, बाकी चीजें एज इट इज, 89, 98, 16, 43, G, B, W हो गया। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा, सर ये तो बहुत लेंदी हो रहा है, हमारा मेथड तो ज्यादा अच्छा है। मैं भी एक क्वेश्चन दूंगा, आप अपने मेथड से करके बताना उसको। ऐसे हैं कि कितने लोग ऐसे जिनको लग रहा है कि नहीं सर हम तो वो लाइन वाले इससे ये वाले से करते हैं, हम तो वही सीखे हैं और उसी से हमारा आंसर आ जाता है जल्दी, ऐसे कितने लोग हैं? यस करो एक बार, ये वाला मेथड जिनको लेंदी लग रहा है और ये वाला ज्यादा इजी लगता है। चौदह परसेंट लोग हैं। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने लग गए ना आजकल, फंसोगे उसमें, बहुत गंदे से फंसोगे। मैं भी वैसे बना चुका हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं वैसा नहीं बनाया हूँ, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। जब हमको हमारे अप्रोच में कुछ गलतियां नजर आती है तो हमको उसको अपडेट करना पड़ता है, और मैं भी एक बार इस टाइप से नहीं बना रहा था, मैं उसी तरीके से बना रहा था और फंस गया था एग्जाम में जाके, तब फिर मैंने ये वाला अप्रोच बनाना चालू किया था। चलो तो अब लास्ट लास्ट वाला क्या बोल रहा है भाई, अब उसके बाद क्या करना है हमको, 43 और जी, तो 43 और जी को सर्कल किए, 43 गया इधर फ्रंट पे, जी गया इधर लास्ट पे, बाकी चीजों को एज इट इज लिख दो, 57, 89, 98, 16, B, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे यार उतनी स्पीड आपकी बढ़ते जाएगी, बस प्रैक्टिस का खेल है, बस और कुछ नहीं। अब देखो फिफ्थ स्टेप जो बनाना है, यहां पर बना लेता हूं मैं फिफ्थ स्टेप को, क्योंकि यहां जगह नहीं दिख रही है, वैसे है जगह, बना लेते हैं यहीं पर। चलो अब फिफ्थ स्टेप में हमको क्या चाहिए, फिफ्थ स्टेप में हमको चाहिए लास्ट जो बच गया था 16 और बी, तो 16 और बी को यहां पर सर्कल कर लो, 16 चला गया फ्रंट पे, बी चला गया लास्ट में, बाकी चीजें एज इट इज, 43, 57, 89, 98, W, T, O, G, ये हो गया सॉल्व। तो ये पूरा बन चुका है, आप क्वेश्चंस जो भी है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है वो उस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हो। अब देखो जैसे जो भी लोग बोल रहे थे ना सर उस तरीके से हम करते हैं वो ज्यादा इजी पड़ता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ध्यान से देखना है ना, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, और अगर आप उस तरीके से करते तो क्या आप उसका आंसर जल्दी निकाल पाते बताना फिर। सिर्फ एक क्वेश्चन, सिर्फ एक नंबर के लिए आपको कितना समय लग जाता उस तरीके में। क्वेश्चन नंबर वन, वॉट is the sum of number of एक मिनट of number third from left end in step four and number fifth to left of t, sorry fourth to left of t, t मतलब कि t पूरा लिखा होगा thrones in step two। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ना आप नहीं बना पाओगे, जितना मर्जी आप ऐसा ऐसा करते रहो, क्योंकि उसमें आपको समझ ही नहीं आएगा। जब आपके पास ये चीज रहेगी ना तो इसमें आप विद इन 2 seconds आंसर दे सकते हो कि भाई आपको पता है फोर्थ स्टेप में थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ स्टेप में थर्ड फ्रॉम लेफ्ट 89 था और सेकंड स्टेप में फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ थ्रोन्स, तो सेकंड स्टेप में थ्रोन से फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट 57, मतलब इन दोनों का आपसे सम पूछा, तो ये दोनों को आप तुरंत टोटल करके आंसर निकाल सकते हो। पर वो सब जो तरीके होते हैं ना वो पुराने हो गए यार, देखो हर चीज ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है मानते हैं पुरानी चीजें अच्छी होती है, लेकिन अपडेट करना पड़ेगा आपको आज नहीं तो कल, और मेंस के लिए तो बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में तो बकायदा पूरे लेटर्स भी शफलिंग होती है, लेटर्स में भी शफलिंग होती है, जो थ्रोन्स लिखा हुआ है ना इसमें लेटर्स को ये एच, तो जितनी जल्दी इस चीज को आदत में लाओगे बहुत अच्छी बात है। आप अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो जल्दी से जल्दी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो सर्टेन नंबर वाला एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, फटाफट बना लेते हैं क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, अगली क्लास भी स्टार्ट करना है,
या एक काम करते हैं अगली क्लास स्टार्ट। अभी तक कितने लोग थे क्लास में मौजूद, एक बार लाइक करो तो फटाफट। नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आ गया, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं उसको सर्टेन वाले को, ठीक है? तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आओ, मैं लिंक भेज देता हूं उसका, आप लोग पहुंचो नेक्स्ट क्लास में, मैं आ रहा हूं। ब्रेक लेना है तो ले लो 2-4 मिनट का। आ गई ना लिंक? चलो बढ़िया, ठीक है। क्या आप अगली क्लास में क्या करेंगे? हम एक सर्टेन वाला करेंगे, 7 फ्लोर वाली बिल्डिंग वाला करेंगे, इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। सिनोलॉजी सब नहीं करवाऊंगा यार, दिमाग खराब हो जाता है उसमें, क्यों यार डाउट ऐसे ऐसे आते हैं ना, ऐसे ऐसे डाउट आते हैं, ऐसे ऐसे डाउट की मतलब कंसेप्ट, खुद का ही कंसेप्ट बिगड़ जाएगा। महीने में एक क्लास ठीक है उसकी। सात सौ इक्कीस, चलो नेक्स्ट क्लास चालू करो।